5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले की जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकलते हैं। ये पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद ये पूरा केस रिश्ते को शर्मसार कर देता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देना शुरू कर देते हैं। तो आखिर क्या है इस पूरे कुरंगती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देना शुरू कर देते हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से और सिलसिलेवार तरीके से आपको हर एक पॉइंट बारीकी से समझाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। देखिए इस कहानी में दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने काम में बिजी थे तभी शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को ये व्यक्ति अपना नाम अय्यगिरी साई कृष्ण बताता है। इसकी उम्र लगभग 36 साल की थी। पुलिस वालों के सामने अय्यगिरी बताता है कि दो दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगती अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को यहाँ ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसके थोड़ी ही देर के बाद जब भांजी के मोबाइल पर फोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफी इंतजार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अय्यगिरी साई कृष्ण खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अय्यगिरी के बयान के मुताबिक आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार से बाहर गई थी, इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की माँ से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अपने मामा के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की माँ पुलिस वालों की इस बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अय्यगिरी ने बयान में बताया था कि 3 जून की रात को ही उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अय्यगिरी द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज का खंगालना शुरू किया जाता है। अय्यगिरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी था कि पुलिस वाले एक एक सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले करते भी कुछ ऐसा ही है। अब जांच की सबसे पहली शुरुआत अप्सरा के घर के पास मिले सीसीटीवी फुटेज से ही की जाती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच जब की जाती है तो पता चलता है कि अप्सरा के अपने मामा अय्यगिरी साई कृष्णा के साथ वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह अय्यगिरी के बयान के हिसाब से ये सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उन्हीं के साथ घर से बाहर गई थी। अब पुलिस वाले अय्यगिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि एक भी फुटेज में अय्यगिरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अय्यगिरी द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर
आसपास के इलाकों में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अय्यगिरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो पुलिस वाले एक बार फिर से अय्यगिरी से ही पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले को दोबारा से अय्यगिरी से पूछताछ की शुरुआत होती है, तो इस बार अय्यगिरी यानी कि मामा पुलिस वालों के सामने हड़बड़ा सा जाता है और अब वो दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अय्यगिरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब अय्यगिरी अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होने लगता है और अब अय्यगिरी ने गहराई से पूछताछ करने का पुलिस वाले फैसला कर लेते हैं। जैसे ही पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अय्यगिरी पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाना शुरू करता है और लगातार अपने बयानों को भी बदलने लगता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं तो अय्यगिरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। और इस बार पुलिस के सामने जब अय्यगिरी मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक्ड यानी कि दंग रह जाता है। अय्यगिरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यगिरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने के बहाने वो अपनी भांजी अप्सरा को अपनी कार में बैठाता है और फिर वो उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों ने किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अय्यगिरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। और वो ऐसा एक बार नहीं करता, बल्कि बार बार लगातार अय्यगिरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार करता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे कुचल कर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अय्यगिरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है, इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छी तरीके से लपेटता है और फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रख कर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहाँ लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वो एक और सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है ताकि वो लाश को जला सके, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ियां नहीं मिल पाती है। इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है, इसलिए अब वो लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाना शुरू करता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में ही रखकर वो उसे कुछ देर तक अपने घर के पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। तो इसी मंदिर के पीछे एक मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैन हॉल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अय्यगिरी अपनी कार को इसी मैन हॉल के पास लेकर आता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैनहोल के अंदर डालकर इसका ढक्कन बाहर की ओर से बंद कर देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोई कभी भी इस लाश तक न पहुंच पाए इसलिए अय्यगिरी 2 ट्रक मिट्टी भी इस मैनहोल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डलवाने के बावजूद भी अगले दिन अय्यगिरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू उस मैनहोल से बाहर आ रही है, इसलिए वो फिर से मिट्टी को हटाकर पहले मैनहोल के ऊपर अच्छे तरीके से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है और फिर मिट्टी से ढक देता है। अय्यगिरी को लगने लगता है कि अब उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और अब वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्यगिरी ही लेकर बाहर गया था। ऐसे में वो पुलिस से शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक ना हो इसलिए खुद ही पुलिस के पास जाकर उसने अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। मगर उसकी ये चालाकी पुलिस वालों के सामने ज्यादा देर काम नहीं आ पाती है और पुलिस वालों के सामने उसका ये झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यगिरी से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यगिरी कुछ और चौंका देने वाले खुलासे करता है। अय्यगिरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यगिरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे
और देखते ही देखते इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अयगिरी पर दबाव बनाने लगती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो सके तुम मुझसे शादी कर लो। मगर अयगिरी के सामने समस्या ये थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी थे, और ये बात अप्सरा भी जानती थी क्योंकि अयगिरी तो उसका अपना सगा मामा ही तो था। इसलिए वो लगातार अप्सरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, यानी कि मामी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन अप्सरा और अयगिरी का मामा भांजी का भी एक पहले से रिश्ता था, इसलिए अप्सरा की लाख जिद के बावजूद भी अयगिरी शादी के लिए मना करता रहता है। इसी बीच अयगिरी के समझाने पर अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार अयगिरी पर शादी के लिए दबाव बनाती ही रहती है। इसी के बाद अयगिरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है, और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है और फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि इस दुनिया में वो उससे भांजी का रिश्ता रखता है। मगर यहाँ पर अप्सरा को समझने को तैयार ही नहीं थी, वो अपने ही मामा से शादी करना चाहती थी। अयगिरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती है तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है, और फिर वो लगातार हमले पर हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो जाता है। इस खुलासे के बाद अयगिरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में अयगिरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था, How to kill human being। आगे की कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा और भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती है, और आसपास के राज्यों की अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब ये खबर जब तमिलनाडु पहुँचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब ये खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की एक महिला तक पहुंचती है तो वो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वो बताती है कि अयगिरी ने जिस लड़की कुरंगती अप्सरा की हत्या की है वो लड़की उसकी बहू है, और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले की पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयंबटूर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी के तौर पर एक अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां के अरुणा भी अपनी बेटी के साथ ही वहीं पर रहने चली जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उनके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती है। ये लोग 5-स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगते हैं। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसों से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सासू माँ बेहताशा पैसा खर्च करने लगती है तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, और वो अपनी सासू माँ और बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक की माँ के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का ये पैसा भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग कार्तिक पर ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो अब पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने में आकर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन के बाद जेल से बेल मिलने के बाद अब कार्तिक जेल से बाहर आ जाता है, और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे समाज में काफी ताने सुनने को मिलते हैं,
और इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी माँ को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चले जाते हैं। कोई भी इन दोनों से संपर्क में ना आ पाए इसलिए दोनों अपना पुराना सिम भी बंद करवा कर नया नंबर निकाल लेते हैं। अब यही हैदराबाद में रहते हुए अय्यगिरी और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ने लगती है और फिर नजदीकियां बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। जब अप्सरा और उसकी माँ पर फर्जी केस उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। इस पूरी केस की मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अप्सरा की हत्या करने वाले अय्यगिरी साईं कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है इस समय और मामला अदालत में चल ही रहा है। अय्यगिरी को अदालत से क्या सजा मिलती है वो तो आने वाले समय में आप सभी को पता चल ही जाएगी। दोस्तों इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का हर एक कमेंट मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ और अगर हमारे चैनल में आपको कोई कमी लगती है, मेरे सुनाने के अंदाज में कोई कमी लगती है तो वो भी आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल क्राइम अड्डा को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर कोई अपने आने वाले समय में सतर्क बना रहे। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।